हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम शेयरिंग विद यू ऑल अ वेरी हेल्दी एंड डिलीशियस रेसिपी, दैट इज़ ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। आपके बॉडी पेन होता है बॉडी में, या फिर आपके नीज़ में पेन है, या आपके छोटे बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, या फिर आप ऐसे भी इसको खा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी और इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में विटामिन, प्रोटीन वगैरह सब कुछ मिलता है हमें। इसके लिए हमें सबसे पहले कुछ ड्राई फ्रूट्स चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हैं कितने सारे मैंने ड्राई फ्रूट्स का यूज़ किया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है किशमिश, उसके बाद मैंने जो छुआरा होता है उनको काट लिया था, आप देख सकते हैं छोटे छोटे पीसेज में, और साथ ही साथ मैंने लिए यहाँ पे काफ़ी सारे मखाना, और यहाँ मैंने लिया है ये गरी, इसको मैंने काट लिया है छोटे छोटे पीसेस में ताकि ये फ्राई करते टाइम हमको प्रॉब्लम ना हो। और इसके साथ ही मैंने यहाँ लिए काफ़ी सारे बादाम, और इनको भी मैंने अच्छे से साफ़ करके धुल के और उसके बाद सूखा के काट लिया था। और साथ ही मैंने यहाँ पे लिए काफ़ी सारे अखरोट, और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे लिया है काजू यानी कि कैश्यू नट्स, और ये है कि गोंद। गोंद का यूज़ इसको बाइंडिंग के लिए यूज़ किया जाता है लड्डू को, तो आप इनको ऐसे फॉर्म में भी ले सकते हैं, या फिर इनका छोटा माइनर फॉर्म पाउडर की तरीके से भी आता है, आप वो भी ले सकते हैं। तो हमें कुछ इतने सारे ड्राई फ्रूट्स का यूज़ करना है। इसके साथ ही यहाँ पे मैंने लिए कढ़ाई, और कढ़ाई में मैंने डाल दिया था घी। लड्डू बनाने के लिए घी का ही यूज़ किया जाता है, तो आप भी घी का ही यूज़ करेगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिए सबसे पहले बादाम, और बादाम को हम फ्राई करेंगे। गैस को हम रखेंगे मीडियम टू स्लो फ्लेम पर, और ड्राई फ्रूट्स को हम धीरे धीरे करके फ्राई करेंगे। मैं यहाँ पे एक साथ ही सारे ड्राई फ्रूट्स फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो इनको अलग अलग सेपरेटली करके भी फ्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बादाम को फ्राई किया था, फिर इसके बाद मैंने डाल दिया काजू और अखरोट। तो मीडियम फ्लेम पे इसको भी चलाते हुए हम फ्राई कर लेंगे, लगभग 2 से 4 मिनट लगेंगे इनको फ्राई होने में, और हमारे काजू, बादाम और अखरोट भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। उसके साथ अब मैंने उसके ऊपर डाल दिया है यहाँ पे छुआरा, और इसको भी हम इन्हीं के साथ फ्राई करेंगे। अलग अलग तरीके से फ्राई करने से काफ़ी ज़्यादा बर्डन बन जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे एक ही साथ इन सबको फ्राई कर रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे अपना जो छुआरे थे उनको भी अच्छे से फ्राई कर लिया है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। अब मैं इनको एक अलग बर्तन में कर लेती हूँ। अब मैंने यहाँ पे कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैंने डाल दिया किशमिश। किशमिश को जब आप फ्राई करें तो गैस को आप याद रखें कि आपको इसको स्लो फ्लेम पे रखना है, क्योंकि ये किशमिश से बहुत जल्दी जल जाती है गाइस। मैंने यहाँ पे अपनी किशमिश को डाल दिया, और मैं जल्दी जल्दी चला रही हूँ ताकि ये जल ना जाए। जब ये हल्की पॉपअप होना स्टार्ट हो जाए तो समझ लीजिएगा आपकी किशमिश है वो अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो यहाँ पे ऐसे इसको चलाते हुए आप अच्छे से जल्दी जल्दी इन्हें फ्राई कर लें ताकि ये जल ना जाए। जब आपकी किशमिश फ्राई हो जाएंगी तब आप इसके ऊपर डाल देंगे गरी, और गरी को भी अच्छे से चलाते हुए इसमें फ्राई करेंगे। गरी भी बहुत जल्दी जल जाती है गाइस, तो इसको ध्यान रखें आप कि इन दोनों को जब आप फ्राई करें तो अलग से करें, क्योंकि इनके जलने का डर रहता है। और इनको चलाते हुए गैस पे मीडियम से स्लो फ्लेम पे गैस करके आप इनको फ्राई करें। तो हमारी जो गरी और किशमिश है वो भी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब हम इनको भी एक अलग बर्तन में निकालेंगे। तो हमारे ये सारे ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो चुके हैं। अब मैंने एक अलग दोबारा कढ़ाई ली है, उसी कढ़ाई में मैंने डाल दिया है घी, और घी के साथ अब मैंने उसके ऊपर डाल दिया है मखाना। मखाना के लिए जो घी है वो ज़्यादा अमाउंट में रखता है, तो आप याद रखें कि इस टाइम पर आप घी का थोड़ा ज़्यादा यूज़ करें, और गैस को स्लो फ्लेम से मीडियम फ्लेम पर ही रखें, और इनको भी मखानों को चलाते हुए फ्राई करें। इनको भी जलने का डर रहता है फ्रेंड्स, तो इनको भी जल्दी जल्दी चलाते हुए हम फ्राई करेंगे। जब हमारे मखाना भी अच्छे से फ्राई हो जाएंगे उसके बाद इनको भी हम एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। तो हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो चुके हैं, अब लास्ट में बचा है यहाँ पे हमारा जो गोंद था वो। तो गोंद को मैंने डाल दिया है। गोंद के टाइम पे आप याद रखेंगे बहुत ज़्यादा घी या जब डालते हैं फ्राई करने के लिए तो ये बहुत ज़्यादा फूल ज़्यादा पॉपअप हो जाता है, तो आप याद रखें कि इस टाइम पे या तो घी का यूज़ ज़्यादा करें या फिर थोड़ा थोड़ा करके गोंद को डालें, ताकि ये जो घी जब एब्जॉर्ब करे तो आपके में घी की जो कमी ना हो। इसलिए आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा अमाउंट में फूल गया है, और इसका यूज़ भी आप संभाल कर ही करें, ज़्यादा अमाउंट में इसका यूज़ ना करें। हमारा जो गोंद था वो भी देखिए आप कितने अच्छे से फ्राई हो चुका है।
इतने छोटे छोटे दानों में था ये कितना सारा फूलती बन चुका है। अब मैंने यहाँ पे जो गोंद था उसको हल्का ठंडा करने के बाद हमारे मखाना के साथ पीस लिया। गोंद को अलग से ना पीसें फ्रेंड्स, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चिपक जाता है तो वो पीसने में नहीं आता है। और उसके बाद जो हमारे ड्राई फ्रूट्स थे उनको मैंने डाल के फ्राई कर लिया, मैंने इसको भी ग्रेंड कर लिया मिक्सर में डाल के। अब मैंने यहाँ पे कढ़ाई ली और कढ़ाई में मैंने डाल दिया था गुड़, और गुड़ के साथ ही मैंने डाल दिया था गुड़ में थोड़ा सा पानी ताकि जो गुड़ है वो ईजिली मेल्ट हो सके। और हमारा जो गुड़ था वो भी मेल्ट हो चुका है प्रॉपरली। अब हमारे जो सारे ड्राई फ्रूट्स थे जिनको हमने पीस के रखा हुआ था उनको हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लड्डू बनाने से पहले एक बार हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो उसके बाद जो हमारा मिक्सचर बना हुआ था उसका हम गुड़ का उसमें डालेंगे। ध्यान रखें हाथों का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जो चाशनी होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, आपका हाथ जल सकता है इससे। इसलिए किसी चमचे की मदद से ही इसमें 1% को गला के उसमें आप चाशनी डलवाएं और साथ के साथ ही जल्दी जल्दी मिलाते जाएं, वरना जो मिक्सचर है वो ख़राब हो सकता है आपका। तो चलाते हुए हाथों का यूज़ करते हुए उसकी बाइंडिंग के हिसाब से आप अपने मिक्सचर में जो चाशनी है गुड़ की उसको डालते जाएँ। आप चाहें तो चीनी का भी इन्हें बना सकते हैं, लेकिन गुड़ का यूज़ करने से ये थोड़े ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं, और ये डाइटिंग करने वाले लोग या फिर डायबिटीज़ वाले जो लोग होते हैं उनके लिए भी ये हेल्दी ऑप्शन बन जाता है। इसलिए हम यहाँ पे गुड़ का यूज़ कर रहे हैं। गुड़ भी तासीर में गर्म होता है तो वो बच्चों के लिए भी अच्छा होता है। तो कुछ इसी तरीके से मैंने चलाते हुए हमारा जो सारा मिक्सचर था उसमें अच्छे से हमने जो गुड़ था, गुड़ की जो चाशनी थी उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए इसको 1 से 2 मिनट के लिए आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे जो हमारा ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर था वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो थोड़ा थोड़ा मिक्सचर हाथ में लेके राउंड शेप में इसको बनाइए और इसकी लड्डू वाली शेप में आप इनको बना लीजिए। सो दिस इज़ बेसिकली माई मदर रेसिपी एंड आई एम शेयरिंग विद यू ऑल। सो फ्रेंड्स, हमारे जो ड्राई फ्रूट्स के लड्डू हैं वो प्रॉपरली बन के तैयार हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये बन के तैयार हुए हैं। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से महीन तरीके से भी पीस सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़े थोड़े उनके जो चंक्स बचते हैं वो अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने इनको बिल्कुल प्रॉपरली फाइन पेस्ट में नहीं पीसा था। तो हमारे ड्राई फ्रूट्स के लड्डू आपको कैसे लगे आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।